नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस सेशन में। इस सेशन का नाम है #AskMandar। इस सेशन में हम व्यूअर्स की क्वेरीज डिस्कस करते हैं और उन्हें सॉल्व भी कर देते हैं। तो इस सेशन में हम शुरू करते हैं क्वेरीज के साथ। पूछते हैं एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, बजाज फाइनेंस के बारे में। विमल जी, ये स्टॉक्स सारे हमने लेटेस्ट कई वीडियोस में हमने डिस्कस की हैं। अब आपके लिए फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहली तो आपकी क्वेरी है, एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स का मैं यहाँ पे चार्ट खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा विमल जी, एशियन पेंट्स का ये लॉन्ग टर्म चार्ट है। ये हमने लास्ट ही वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। ये लॉन्ग टर्म का चार्ट अभी मैंने खोला हुआ है। ये 1500 का बहुत एक इम्पोर्टेंट लेवल था, एक रेजिस्टेंस बना हुआ था स्टॉक के लिए। और जो यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया इन द मंथ ऑफ जुलाई 2019, और ये ब्रेक होने के बाद आपको दिखेगा कि वो कंटिन्यूस एक अपट्रेंड में है। लेकिन अब फिलहाल अगर देखो आप तो ये बहुत स्ट्रेच लगता है। तो अगर ये आपको इसका व्यू जो लेना है वो एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट के व्यू से लेना हो तो मुझे लगता है कि आपने रुकना चाहिए, एक करेक्शन कंसोलिडेशन की राह देखनी चाहिए और उसके बाद में आप वो व्यू ले सकते हो। अगर आपका ये सवाल आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन के बारे में है तो आपको ये ट्रेंड दिखेगा कि ट्रेंड तो ऊपर है, और जब तक ये स्टॉक एक ऊपर के ट्रेंड में रहता है तब तक आप इसमें आपने पोजीशन बनाए रखनी है। तो ये तो रहा व्यू अपना एशियन पेंट्स पे। अब दूसरी जो आपकी क्वेरी है वो बर्जर पेंट्स के बारे में है। सेम लाइक एशियन पेंट्स, ये भी आपको दिखेगा, ये एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंसोलिडेशन हुआ था इस स्टॉक में अगस्त 2018 से लेके ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे जनरेट किया अगस्त 2019, तो एक साल का ये कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट जनरेट किया। और ये जो लेवल्स थे ये थे 335 से लेके 350 तक, तो ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। और यहाँ पे अगस्त के क्लोजिंग पे आपको दिखेगा कि ये लेवल रेजिस्टेंस जो था वो स्टॉक ने ब्रेक कर दिया, और वो ब्रेक करने के बाद स्टॉक सीधा ऊपर चल रहा है। अब ये थोड़ा सा स्ट्रेच लगता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए। जैसे एक स्प्रिंटर होता है, एक दौड़ लगाने के बाद जैसे आप थक जाते हो, आप थोड़ा सा रुकते हो, सांस लेते हो, उसी तरीके से प्राइस भी थोड़ा रुकेगा, सांस लेगा। सो इट विल टेक अ ब्रीदर हियर। सो शायद कंसोलिडेट करेगा, स्ट्रेंथ रहेगा। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के दौर से आपने रुकना चाहिए, ये लेवल नहीं है फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए। थोड़ा सा रुकने के बाद कंसोलिडेशन करेक्शन के बाद आप वो व्यू ले सकते हैं। अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो पोजिशन उसमें बनाए रखनी चाहिए। और तीसरा जो स्टॉक है आपका वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भी हमने व्यू लिया हुआ है। बजाज फाइनेंस भी आपको दिखेगा सीधा अप ट्रेंड में है। जब तक अप ट्रेंड में रहता है तब तक आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड कीजिए। अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो करेक्शन में कीजिए। और ये स्टॉक भी आपको दिखेगा कि बहुत चल चुका है, तो चल चुका है इसलिए यहाँ पे 100% एंट्री अगर आप करते हो तो आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए अगर आपको बाय करना हो, लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो आपने इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए करेक्शंस में। अगर ये स्टॉक करेक्ट करता है ये लेवल पे, ये जो सपोर्ट है 3760 3800, तो वहां पे आप थोड़ा थोड़ा इसमें बाइंग आप कर सकते हो। तो इसमें अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसे होल्ड कीजिए, स्टॉक फिलहाल अप ट्रेंड में है। तो ये रहे आपके विमल जी की क्वेरीज। अब जो अगली क्वेरी है वो हमें पूछी है अक्षय जी ने। अक्षय जी पूछते हैं उनके पोर्टफोलियो के बारे में। 8 स्टॉक्स है टोटल, सिंटेक्स, रोल्टा, लाइका लैब्स,
एमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर एमपी डिस्टिलरीज एचसीएल इन्फो आईएफसीआई एटलस साइकिल। अक्षय जी, आपने ट्रेंड फॉलो करना बहुत जरूरी है ये सारे स्टॉक्स के लिए, क्योंकि ये सारे, इसमें से बहुत सारे स्टॉक्स तो फिलहाल तो पेनी स्टॉक्स है। अब अगर सिंटेक्स देखते हैं और ये लॉन्ग टर्म चार्ट है सिंटेक्स का, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये मूव जो है यहाँ पे 35-37 का फेल होने के बाद तो ये स्टॉक सीधा एक डाउन ट्रेंड में है। अब लॉन्ग टर्म का चार्ट अगर देखते हैं, ऑल टाइम चार्ट भी अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे सीधा सपोर्ट ये लेवल्स पे बनता है। व्हाट इज इट, स्टॉक तो 1.25 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे पेनी स्टॉक्स में टेक्निकल व्यू लेने से बेहतर है कि आप इस पे एक फंडामेंटल व्यू लो, क्योंकि प्राइस अकेला तो कुछ कर नहीं सकता है। अगर बिजनेस इंप्रूव होगा तो फिर प्राइस एक्शन भी आएगा, प्राइस एक्शन से बिजनेस नहीं इंप्रूव होता है। आपका जो दूसरा स्टॉक है वो है रोल्टा, इसका भी अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, ये भी अभी पेनी स्टॉक हो गया, 4 रुपए का स्टॉक हो गया। ये आपको दिखेगा ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था रोल्टा के केस में, 50 रुपीज का लॉन्ग टर्म का लेवल था, बहुत सालों से ये लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था। और यहाँ पे इन द मंथ ऑफ मे 2018 स्टॉक ने नीचे में ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे ही हमें इंडिकेशन मिल चुका है कि वो स्टॉक अब खराब हो रहा है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। अब फिलहाल तो पेनी स्टॉक है, जैसे मैंने सिंटेक्स के केस में भी आपको कहा, उसी तरीके से इस केस में पेनी स्टॉक के केस में टेक्निकल व्यू नहीं ले सकते हैं। प्राइस एक्शन के नॉट डिसाइड द बिजनेस ऑफ अ कंपनी, द बिजनेस कैन श्योरली हेल्प इन प्राइस एक्शन। अब ये है लाइका लैब्स। अब लाइका लैब्स अगर आप देखो तो ये 140 की लेवल तक गया था 2015 में, और वहां से ये सीधे एक डाउन ट्रेंड में है पिछले 3.5-4 साल से। अब फिलहाल ये जो करंट लेवल है यहाँ पे आपको दिखेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन कर्सर जो मैंने होल्ड किया है 15 रुपीज के करीब, तो वहां पे एक सपोर्ट बनता है स्टॉक के लिए, तो ये लेवल वॉच कीजिए 15 का। ये अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक खराब हो जाएगा और ये नीचे के लेवल तक गिर सकता है, तो ये 15 रुपीज का जो लेवल है ये वॉच कीजिए एज अ सपोर्ट। इसमें भी सेम केस है, ये आपने इक्विटी में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तब मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है आपका पोर्टफोलियो। अगला जो आपका स्टॉक है वो है एमाइंस और प्लास्टिसाइजर। अब अगर ये स्टॉक देखो तो ये भी स्टॉक फिलहाल ये एक 27-25 रुपीज का ये जो सपोर्ट है यहाँ पे सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये 26-27 का जो सपोर्ट लेवल है, तो ये लेवल वॉच कीजिए किस तरीके से रिएक्ट करता है यहाँ पे, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है नहीं सकता है वो समझ लेंगे, लेकिन सपोर्ट क्यों वो देखना है। तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक खराब हो जाएगा, तो उस केस में तो एग्जिट करना ही है, इसलिए ये सपोर्ट आपने देखना जरूरी है। ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंसेस है, 37 से लेके ये 41-42 लेवल तक ये रेजिस्टेंसेस है, तो इसमें अगर ये ट्रेंड चेंज होना हो, फ्रॉम डाउन टू अप अगर ये ट्रेंड चेंज होना हो तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होना जरूरी है। जब कब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तब हम आगे का व्यू भी ले सकेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये सपोर्ट लेवल इसमें वॉच कीजिए। आपका जो अगला स्टॉक है वो है एमपी डिस्टिलरीज। अब ये भी एक पेनी स्टॉक है। अक्षय जी आपको दिखेगा ट्रेंड तो आपको भी दिखेगा, मैंने बोलने की जरूरत नहीं, ये भी पेनी स्टॉक है, इस पे आपने टेक्निकल नहीं फंडामेंटल व्यू लेना जरूरी है। यह है एचसीएल इंफोसिस। एचसीएल भी अगर आप देखो तो ये सारे सपोर्ट लेवल्स जो थे यहाँ पे सारे सपोर्ट लेवल्स ब्रेक करते हुए स्टॉक ये नीचे आ चुका है। ये भी अभी पेनी स्टॉक हो गया, 6.65 रुपया उसका भाव है। ये है IFCI। ये IFCI ये देखिए यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट ये जो था 7.70 रुपीज का,
ये स्टॉक ने ब्रेक किया है, लेकिन आप ये वॉच कीजिए, अगर इसके नीचे रहता है तो ये खराब स्टॉक है, इसके ऊपर आएगा तो सपोर्ट रिस्पेक्ट किया है, इसलिए हम इस पे रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन ये भी पेनी स्टॉक है, ये ध्यान में रखिए। तो बिजनेस इंप्रूव होना जरूरी है, प्राइस एक्शन सिर्फ अकेला कुछ नहीं कर सकता है, प्राइस एक्शन बिजनेस को इंप्रूव नहीं कर सकता, ये तो पक्की बात है, ये आप भी अग्री कर लोगे। ये है एटलस साइकिल्स। अब एटलस साइकिल का अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो ये एक सपोर्ट लेवल है 31-32 रुपीज का, आपको दिखेगा कितनी बार यहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक कर लिया है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए। ये लेवल वॉच कीजिए, 30 और 33 के बीच में ये सपोर्ट बैंड है, ये अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक खराब हो जाएगा, जब तक ऊपर ट्रेड होता है तब तक ठीक है। अगर इसमें एक ट्रेंड चेंज आना हो, यानी ये जो डाउन ट्रेंड हमें दिख रहा है, अगर ये डाउन ट्रेंड चेंज होना हो इनटू एन अप ट्रेंड, तो ये जो रेजिस्टेंस है 94-95 का, ये ब्रेक होना ऊपर की तरफ जरूरी है। जब कब ये ब्रेक होगा तब हम इस पे रिव्यू जरूर करेंगे और ऊपर का टारगेट भी हम डिसाइड कर पाएंगे। आपके मन में भी अगर कुछ क्वेरी हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, उसे पोस्ट कीजिए इस वीडियो के कमेंट्स में, और उस स्टॉक को हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आपको अगर पढ़ने में रुचि है तो ये मेरी दो किताबें हैं कि जो आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी, आप ये पढ़ सकते हैं, आपका नॉलेज जरूर इंक्रीज होगा। तो आपने मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया इसलिए आपका धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी उनकी जो क्वेरीज हो वो पूछ पाए। आपने मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया इसलिए आपका धन्यवाद। आपका मंदार जामसंग।